नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा अनाज किस वेयरहाउस पर तुलने वाला है, इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करें। तो आपको यह जानने के लिए पहले गूगल पर सर्च करना होगा ई उपार्जन, इसे सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको रबी सीजन का चेक करना है, तो आप यहाँ पर ई उपार्जन रबी 2021 और 22 इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, जिससे आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें किसान पंजीयन आवेदन सर्च, किसान पंजीयन एवं आवेदन को सर्च करके हम यह जान सकते हैं कि हमारा अनाज किस वेयरहाउस पर तुलने वाला है और इसकी डेट कब आएगी। ये सब जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। या पंजीयन में कुछ गड़बड़ी भी है तो उसे भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले ज़िला सिलेक्ट करना है। अब जिस भी ज़िले से हैं, हम अभी आपको लाइव चेक करके दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको किसान कोड, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, इन तीनों चीज़ों में से जो भी आपने दर्ज कराया है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ये मोबाइल नंबर डाल दिया है, अभी कैप्चा फिल करना है। इसके बाद आपको किसान सर्च करें, यहाँ पर सर्च कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान का नाम आ गया, जिसकी समग्र आईडी, मोबाइल नंबर, तहसील, जिला, पंजीयन केंद्र जहाँ से पंजीयन किया गया था, ये अकाउंट नंबर भी यहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको इससे यह भी जानकारी हो जाएगी कि आप के खाते पर कितना उपज तुल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राधा माधव वेयरहाउस दिया गया है, ये 5 बीघा का पंजीयन है, जिसमें 48 कुंटल अधिकतम उपज तुल सकती है। तो आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद।